ये कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में हमें मिलना चाहिए। जो करना है करो, जो होगा देखा जाएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट अगर मेहता कंस्ट्रक्शन को मिला तो याद रखना कि जो कुछ तुम्हारे साथ होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। पूरी जिंदगी बस बिजनेस और पैसा, किसी की कदर नहीं आपको, ना अर्जुन की, ना उसके आंसुओं की, ना उसके तकलीफों की। किस अर्जुन की बात कर रही हो तुम, जिसका हर दिन यह सोचकर शुरू होता है कि हमें एम्बैरेस कैसे करें, जिसकी हर रात यह सोचकर खत्म होती है कि हमें ह्यूमिलिएट कैसे करें। ऐसे नहीं था वो, तो बैडमिंटन। किसने कहा था बैडमिंटन खेलो? खून पसीना दिन रात एक करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया किसके लिए? क्या उसकी इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इसे संभालता? कोई और खेल नहीं मिला, क्रिकेट खेलता, बैडमिंटन, और उसके लिए तुम मुझसे बहस करने आई हो? बैडमिंटन अब वापस उसकी लाइफ में नहीं आने वाला। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वो मूव ऑन क्यों नहीं करता? नहीं कर पा रहा, वो नहीं हो रहा उससे, उसका गुस्सा जायज है। रमेश, एडल्ट लर्निंग भी कोई चीज होती है। बच्चा है नहीं तो बच्चे की तरह क्यों बिहेव करता है? अपनी नाकामी को हम पर थोपकर कब तक भागता रहेगा सच्चाई से, अपनी जिंदगी से? सेल्फिश है वो, हमारे बारे में सोचता तक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या दिया बैडमिंटन ने उसे आज तक? जो कुछ दिया मैंने दिया, ये लाइफ, ये लाइफस्टाइल मेरी देन है, समझे? तो क्या ये सब चाहिए था उसे? क्या आपसे मांगा था उसने ये सब? बेवकूफ है, फूलिश है। सुनो, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, और जो पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं देते मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं।